Hello everyone, I hope you all are fine. Today we will discuss about coordination, its concept, importance, and coordination is the essence of the management. What is the coordination? Coordination is the force that binds all the other functions of management. हमने लास्ट टॉपिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. उन सब फंक्शंस को बाइंड करके रखने के लिए वी रिक्वायर कोऑर्डिनेशन, बिकॉज विदाउट कोऑर्डिनेशन अ फर्म कैन नॉट बी अचीव देयर ऑब्जेक्टिव. कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. अब एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, अब वो सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करें, उनकी आपस में यूनिटी होनी चाहिए. अगर आपस में यूनिटी नहीं होगी तो कंपनी अपना गोल अचीव नहीं करेगी. तो कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शंस एंड इंटीग्रेट्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जितनी भी कंपनीज की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या एक्शंस होते हैं, उन सबको यूनिटी में लेके आना और आपस में हारमोनी. इट इज़ अ प्रोसेस टू एस्टेब्लिश हारमोनी अमंग द डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उस सब में हारमोनी पीसफुल बना रहे, सो दैट द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव. इफ़ वी वॉन्ट टू अचीव आर ऑब्जेक्टिव द कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर इन आर कंपनी, क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, वो अलग अलग पर्सन हैं और वो सब मिलकर अगर काम करेंगे, मिलकर काम करना मतलब कोऑर्डिनेशन, तो वी रिक्वायर कोऑर्डिनेशन. नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेचर फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. First is coordination integrates group efforts. It means the need for coordination is felt when group effort is needed for accomplishment of an objective. जहाँ पर भी हमें objective को achieve करने के लिए group में मिलकर काम करना पड़ता है, there we need coordination. हमने पहले भी discuss किया था, management is a group activity and management helps in achieving group goals. In short, we can say that coordination is related to group efforts and not individual efforts. जहाँ पर एक सारा काम अगर एक सिंगल पर्सन करता है, देयर वी नॉट रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन. लेकिन जहाँ पर अलग अलग काम अलग अलग पर्सन करता है, देन वी रिक्वायर कोऑर्डिनेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव. सेकंड इज कोऑर्डिनेशन एनश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन. द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू ऑफ क्रिएटिंग यूनिटी इन एक्शन. यूनिटी मीन्स आपस में सब मिलकर काम करें. कोऑर्डिनेशन एनश्योर दैट ऑल डिपार्टमेंट्स वर्क हैंड इन हैंड. सारे डिपार्टमेंट्स साथ साथ मिलकर चलें एंड क्रिएट बैलेंस इन ऑल द डिपार्टमेंट. सब डिपार्टमेंट के बीच में बैलेंस बना रहे. इट एक्ट एज बाइंड फोर्स इन ऑल द डिपार्टमेंट्स. सब डिपार्टमेंट को आपस में साथ में लेकर चलना. फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेल डिपार्टमेंट, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. अगर सेल डिपार्टमेंट इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हो रही है, तो इट मीन्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा. थर्ड इज coordination is a continuous process. It is a non-ending function. Continuous process means it starts from planning and end with controlling. ये planning से start होकर controlling तक चलता है. Many activities are performed in a business and without coordination company cannot function efficiently. और बिना coordination के company अपने functions को proper way से नहीं कर पाएगी, क्योंकि सारे functions आपस में एक दूसरे के ऊपर depend हैं. Fourth is कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन. ऑल परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल. हर जगह हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए. इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स. ऑल लेवल्स, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल्स, इन ऑल डिपार्टमेंट्स. सब डिपार्टमेंट में चाहिए, चाहे वो सेल डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, एंड टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस बिजनेस एज वेल एज इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वी रिक्वायर कोऑर्डिनेशन आल्सो. फिफ्थ इज कोऑर्डिनेशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल द थ्री लेवल्स, टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल्स. और हर एक मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपस में कोऑर्डिनेशन करें. डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड एट ऑल द लेवल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट. जितने भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं हम, सारी आपकी क्या हमारी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. अगर सेल वाला सेल पर्सन अगर अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगर प्रोडक्शन वाला जो है सही सामान नहीं बना रहा है, तब भी सामान हमारा नहीं बिकेगा, बिकॉज कस्टमर विल नॉट सेटिस्फाइड विद आर product. Next, coordination is a deliberate function. It is never established by itself. ये अपने आप नहीं बनता, it is a deliberate, ये जानबूझकर बनाया जाता है ताकि हर एक मैनेजर मिलकर काम करें. हम अपने इसमें पर्सनल बिजनेस छोड़कर हम यहाँ पर कंपनी के बारे में सोचते हैं. Every manager try to
coordinate the activities of the organization to avoid confusion. And without coordination, efforts of individuals cannot be united. और बिना coordination के हमारे efforts आपस में मिलकर काम नहीं करेंगे. तो we require coordination. So manager deliberately perform coordination function. इसलिए हम जानबूझकर coordination करते हैं. Next is coordination is a essence of the management. What is the meaning of this? Essence means we require coordination is everywhere. There are following reasons. First is coordination and planning. Coordination and planning means, as we know, planning is the first function. So we require coordination between overall plan of the organization and departmental plan. There will be coordination between overall plan of the company and departmental plan, and coordination between objective and available resources. अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें 1 crore की प्रोडक्शन करनी है, तो क्या हमारे पास उतने रिसोर्सेज हैं कि हम 1 crore का प्रोडक्शन कर सकते हैं? तो वैन एवर वी विल मेक आर ऑब्जेक्टिव, हम अपने रिसोर्सेज भी देखते हैं. तो इट इज़ अ कोऑर्डिनेशन. फॉर एग्जांपल, कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेल डिपार्टमेंट्स टारगेट. हमने अगर सेल डिपार्टमेंट का टारगेट रखा है कि आपको दिस ईयर आपके पास 20 lakh की अपनी सेल करनी है, तो वी विल आल्सो कंसीडर आर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कि क्या हम 20 lakh का प्रोडक्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं या नहीं है. तो दिस इज़ द कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग. सेकंड इज़ कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनाइजिंग. इन ऑर्गेनाइजिंग वी रिक्वायर कोऑर्डिनेशन बिटवीन रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइजेज एंड एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म. जो रिसोर्सेज और एक्टिविटीज के साथ कोऑर्डिनेशन है या नहीं. सेम अमंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. जब हम किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो साथ में उनको क्या देनी पड़ती है? अथॉरिटी भी देनी पड़ती है. बिकॉज विदाउट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी फुलफिल्ड. फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक सुपरवाइज़र को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है काम करने के लिए, तो हम उसको साथ में अथॉरिटी भी देंगे कि वो अपने वर्कर्स में वर्क को डिवाइड करके काम करवाएगा. तो दिस इज़ अ कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनाइजिंग. थर्ड इज़ कोऑर्डिनेशन इन स्टाफिंग. स्टाफिंग मीन्स ह्यूमन रिसोर्स. तो वी विल कोऑर्डिनेट बिटवीन स्किल्स ऑफ वर्कर्स एंड जॉब. हम पर्सन को जॉब देंगे उसके स्किल्स के हिसाब से. ऐसे ही एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स एंड द कंपनसेशन. किसी को भी अगर हमने कंपनसेशन देनी है, सैलरी देनी है, उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से. मोर एफिशिएंट एम्प्लॉय गेट मोर सैलरी. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज डायरेक्टिंग. इन डायरेक्शन देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट. कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसको ऑर्डर देगा. अब मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को पता है कि मेरे को ऑर्डर कौन देगा, मार्केटिंग मैनेजर. परचेज मैनेजर को पता है कि मैंने ऑर्डर किसको देना है, अपने डिप्टी परचेज एग्जीक्यूटिव्स. तो ईच एंड एवरी पर्सन नो वेरी वेल कि मेरा सुपीरियर कौन है और मेरा सबॉर्डिनेट कौन है. एंड फिफ्थ इज कोऑर्डिनेशन इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ. तो देयर विल बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. इट मीन्स स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस वो हो जो हम एक्चुअल में अचीव कर सकें. अब मैं आपको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस दे दूँ कि आई वॉन्ट 101 मार्क्स इन बिजनेस, कि मेरे को 101 नंबर चाहिए एक्चुअल परफॉर्मेंस. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि पेपर कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का. एंड सेम एज कोऑर्डिनेशन बिटवीन करेक्शन ऑफ डेविएशन एंड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. करेक्शन ऑफ डेविएशन का मतलब कि जिस वजह से हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सका, हम उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेंगे. और करेक्टिव एक्शन किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, ताकि हमारी वो डेविएशन ख़त्म हो सके. तो कोऑर्डिनेशन मेक्स प्लानिंग मोर पर्पजफुल, ऑर्गेनाइजेशन वेलकिट एंड कंट्रोलिंग मोर इफेक्टिव. एंड कोऑर्डिनेशन इज आल्सो नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. एंड इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स. ऑल लेवल्स, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल. और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, जैसे कि टॉप लेवल मैनेजर्स, दे विल कोऑर्डिनेट विद द सबॉर्डिनेट्स विद द ओवरऑल पॉलिसी. कंपनी की पॉलिसीज और सबॉर्डिनेट के साथ उनको देखते हुए पॉलिसीज बनाएंगे. एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट्स कोऑर्डिनेट विद द बोथ टॉप लेवल एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर्स. वो टॉप लेवल और लोअर लेवल के साथ मिलकर काम करेंगे. एंड जो ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स हैं, दे विल सी दैट कि वर्कर जो है प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे. नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. व्हाई वी नीड इन कोऑर्डिनेशन. अभी हमने डिस्कस किया कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो सारे इंडिविजुअल्स हैं वो मिलकर एफर्ट्स करेंगे, उनकी आपस में यूनिटी होगी, तब जाकर हम अपना गोल अचीव करेंगे. तो देयर आर सम इम्पॉर्टेंस. फर्स्ट इज ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ आल्सो कॉल्ड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब कि अगर कंपनी का साइज अगर इंक्रीज होता है, तो डेफिनेटली देयर इज़ आल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ द वर्कर्स. और जहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा काम करेंगे, वो रिक्वायर
कोऑर्डिनेशन, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इज़ अ ग्रुप एफर्ट एक्टिविटीज़। एंड ग्रुप में ईच पर्सन हैविंग डिफरेंट इंटरेस्ट, हिज वे ऑफ वर्किंग, तो देयर मस्ट बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ग्रुप एंड विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन वी विल डू इट। सेकेंड इज़ फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन। एक कंपनी में वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं और कई बार हर एक डिपार्टमेंट जो होता है अपने डिपार्टमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन देनी भी चाहिए, लेकिन कई बार अपने इंपॉर्टेंस देने के चक्कर में क्या होता है कि वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को भूल जाता है। तो दीज डिपार्टमेंट्स आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट, सो वी नीड कोऑर्डिनेशन ताकि इनके जो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो मिनिमाइज हो सकें। थर्ड इज स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। इन लार्ज एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन देर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलिस्ट बिकॉज नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन आर मोर एंड दे फील दैट दे आर द ओनली क्वालिफाइड पीपल एंड दे ऑलवेज टेक राइट डिसीजन इन राइट डायरेक्शन, सो देर इज़ नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द स्पेशलिस्ट। लास्ट इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। जैसे एक कंपनी के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे ही एक कंपनी के बहुत सारी यूनिट्स भी होती हैं और वो आपस में क्या होती है, इंटरडिपेंडेंट। ये जितनी आपकी हायरी अगर इंटरडिपेंडेंट है तो वी रिक्वायर ग्रेटर नीड ऑफ द कोऑर्डिनेशन। टुडे वी डिस्कस्ड कोऑर्डिनेशन इन डिटेल, आई होप यू अंडरस्टूड इट क्लियरली। नाउ यू विल डू असाइनमेंट विच इज़ अवेलेबल ऑन द साइट। थैंक यू स्टूडेंट्स।